मैं सीआईडी देख रही थी, कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है दया, और मेरे साथ ही गड़बड़ हो गई इतनी बड़ी। ओहो, तो संभाले नहीं देते ग्लास नाइला जट, सेम टू सेम नहीं ये हो गया चश्मा डन, ये हो गया दुपट्टा डन, अब सीधा मिलते हैं व्लॉग पे। अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीधा मेरी सेक्रेटरी स्टार। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, खुशहाल होंगे, इंजॉय जिंदगी इंजॉय कर रहे होंगे। अगर कोई दुख परेशानी है तो मैं दुआ करूँगी आपकी दुख परेशानी जल्द से जल्द दूर हो जाए, और उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। और क्या कर रहे होंगे मुझे पता ही है, काम में सब बिज़ी लोग हैं, सब के सब, मैं भी बिज़ी हूँ थोड़ी बहुत। तो आज के व्लॉग में आज कुछ न्यू लेके आई हूँ आप लोगों के लिए, आपको मैं सिखाऊंगी कुछ, वो बस सीधा ही बताऊंगी ठीक होकर। चलो बता देती हूँ क्या करने जा रही हूँ मैं। पिछली वीडियो में आपको दिखाता कि मैंने हमारा आता है वहाँ पर हम सब्ज़ी वगैरह बेचते हैं ठीक हो गया। आज हम कुछ न्यू उगाएँगे, कुछ न्यू जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि मैं करूँगी, वो मैं करके दिखाऊंगी ठीक हो गया। अब वो करने के लिए हमें जाना पड़ेगा अहाते में, अहाते जाने से पहले हमें कुछ चीज़ें लेनी है, लेके जानी है। अम्मी मेरी पहुँच चुकी है वहाँ पे और सामान रेडी है, और जो मैंने चीज़ें उठानी है वो लेके मैं जाऊँगी, फिर हम चलते हैं। ये मुझे माचिस का ऑर्डर मिला है कि माचिस लेके आनी है, पता नहीं क्या करना है। मैंने माचिस ले ली है और छुरी ले लेते हैं ठीक है, ये मैंने ले ली है छुरी साथ, इसके साथ खुदाई करेंगे ठीक हो गया। अब हम चलते हैं सीधा वहाँ पे लोकेशन पे। गाइस गलियों में कूड़ा क्रिकेट फेंकने से गुरेज करें, देख सकते हैं कितना गंद है यहाँ पे। हमने आग लगा दी है ताकि सारा कूड़ा क्रिकेट कवर हो जाए, ये देख सकते हैं कितना गंद, इतनी गंदा होल हो गया है यहाँ पे। सिर्फ और सिर्फ हमारी खुद की गलती है, एक जगह पर कोई चीज़ एक इंसान फेंकता है तो दूसरे भी कहता है चलो भाई यहाँ पे फेंक देते हैं। देख सकते हैं कितना गंद पड़ा हुआ है, ये हमने सारी आग लगा देनी ठीक हो गया। ये सारे इकट्ठे करके लेके जा रहे हैं एक जगह पे, सारे सफाई करेंगे यहाँ पे गली की ठीक हो गया, ताकि सारे जो कागज़ जला दें और सफाई ईमान है। गाइस देख सकते हैं आप सब, माशाल्लाह माशाल्लाह कितना प्यारा माहौल है यहाँ पे। अम्मी ने मेरे आने से पहले ही पानी लगा दिया है, देख सकते हैं पानी से तर हो चुका है, माशाल्लाह जी माशाल्लाह। गाइस एक बहुत बुरी न्यूज़ है, जिस काम के लिए मैंने व्लॉग बनाया था वो व्लॉग मेरा नाकाम हो गया, क्योंकि मेरे आने से पहले ही सब कुछ हो चुका है। देख सकते हैं ये जो बीज है सनफ्लावर सीड सूरजमुखी के, ये मैंने उगाने थे, ये मेरी अम्मी ने पहले ही उगा दिए जा रहे हैं। अब मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, देख सकते हैं पता नहीं कहाँ पे लगा दिए हैं मुझे। मैं ऐसे इतनी मेहनत के लिए करने के लिए आई यहाँ पे तो पहले ही सब कुछ हो चुका है, अब मैं क्या करूँ। मैं जाकर अम्मी से ही पूछती हूँ ठीक हो गया। गाइस अब मैं क्या करूँ मुझे बताएं आप सब, देख सकते हैं सब कुछ हो चुका है। चले अब हम कुछ और शूट कर लेते हैं ठीक हो गया। मेरे पीछे से देखिए माशाल्लाह जी माशाल्लाह, देख सकते हैं आप सब कितना प्यारा माहौल है। और यहाँ पे क्या लकड़े पड़ी हुई हैं, अच्छा ये गर्मियों के लिए काम आए, गर्मियाँ आ चुकी हैं, ये इसके आग जलाएंगे, इसकी चीज़ें बनाएंगे, हंडी पकाएंगे ठीक है। अब हम वापस जा रहे हैं, फ़ायदा तो है नहीं हमारा यहाँ पे रुकने का, क्योंकि सब कुछ हो चुका है। और मैं जाके बताती हूँ कि मेरा व्लॉग अधूरा रह गया है, बाहर से आए और गंदे पाऊँ, और अभी भी मैंने ये सारी सफाई की है यहाँ पे, और गंदे पाँव की वजह से सारी मट्टी ही मट्टी हो जाएगी, तो हम इसे पहले वाश कर लेते हैं। इतनी मिट्टी हो माय गॉड गाइस, ये सिर्फ उसे पता होता है जो सफाई करता है, वरना लोगों का काम है गंद डालना। हाय अल्लाह क्या हुआ, उगा लिया? हाँ उगा लिया थे। ओहो ये ट्रॉली वाला भी लेकर बैठ गया यार, कोई भी व्लॉग बनाओ ना अंदर कुछ ना कुछ पक्का लाल भी पड़ जाता है। देख सकते हैं आवाज़ आ रही है आपको मेरी, ये पीछे ट्रॉली का शोर इतना आ रहा है, गुजर रहा है ट्रक वगैरह, और मेरे बीच में ही रह गया सब कुछ जो मैंने प्लान किया था। क्यों? बीज उगाने थे जो मैंने सनफ्लावर के, वो अम्मी ने पहले ही उगा दिए। तो अम्मी ने बोला नहीं था तुमने?
मैंने कहा था मैं कहीं तुम इतनी देर की मैं तुम्हें बुला रही हूँ, तुम आई नहीं। अब मैं गई हूँ इतनी शौक से कि मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं क्या करने वाली हूँ। और क्या हुआ? कुछ भी नहीं गाइस, मैं CID देख रही थी, कुछ तो गड़बड़ है दया। और मेरे साथ ही गड़बड़ हो गई इतनी। ओहो, और तुम्हें कुछ संभाल नहीं देते क्लास नाइला जट, सेम टू सेम। और गाइस अब मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे हमारा टीवी चल रहा है, यहाँ पे मूवी देख हो रही है, ठीक हो गया। चलो ठीक है गाइस, जो काम करना था वो तो हुआ नहीं, चलो फिर अगले भी लोग तो कुछ आपको नया दिखाऊंगी। एक मेरे साथ खुद ही प्रैंक हो गया, तो मैं आपको मैं बताऊंगी अगले व्लॉग में कि मेरा मेकअप रूटीन क्या है। यानी कि शादी ब्याह में हम रोज़ाना तो नहीं मेकअप करना चाहिए इंसान को, शादी ब्याह में जो लगाती हैं हम यूज़ करती हैं सिस्टर्स कौन से वाला मेकअप। काफ़ी कमेंट्स आए थे कि आप अपना मेकअप बताएं, कौन सी स्किन टोन के लिए कौन सी स्टिक अच्छी है, तो मैं आपको बताऊंगी कि हम कौन से वाला यूज़ करते हैं मेकअप, क्या प्रोडक्ट है, वो सब कुछ आपको दिखाऊंगी बताऊंगी। और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के लिए वीडियो में, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। में फिर कोई ना कोई पंगा पैना हों, एक दिन को भांडे नहीं संभाले जाते। गाइस अल्लाह हाफिज़, अगली वीडियो से मिलेंगे।